हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं एक नए क्रांतिकारी सूर्य कुमार सेन के जीवन पर कुछ प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि पहले स्लाइड में दिया गया है। सूर्य कुमार सेन के जीवन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, वे कभी भी एक क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति में शामिल नहीं हुए। दूसरा, 1918 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चटगांव शाखा के अध्यक्ष बने। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उन्होंने अनुशीलन समिति, जो कि चटगांव शाखा ब्रांच की थी, उसे उन्होंने ज्वाइन किया था। और साथ ही साथ सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वे 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चटगांव शाखा के अध्यक्ष बने। पहला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सही कथन का चयन करना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। मास्टर दा की उपाधि किसने धारण की थी, या किसे मास्टर दा के नाम से पुकारा जाता था, इनका उपनाम था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बलराज भल्ला, ऑप्शन सी सूर्य या सूर्यो सेन, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे या एमजी रानाडे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्य या सूर्यो सेन, जिन्हें मास्टर दा की उपाधि दी गई थी, या उन्हें मास्टर दा के नाम से भी पुकारा जाता था। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। 1930 में चटगांव शास्त्रागार छापे के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? 1930 में जो चटगांव आर्मरी रेड हुआ था, उनके मास्टरमाइंड कौन थे? इसका आपको सही विकल्प चयन करना है। ऑप्शन ए प्रीति लता वाडेकर, ऑप्शन बी सूर्य सेन, ऑप्शन सी अरबिंदो घोष, ऑप्शन डी एमएन रॉय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्य सेन या सूर्यो सेन, जिन्होंने 1930 में चटगांव शास्त्रागार छापे को अंजाम तक पहुंचाया था। और साथ ही साथ उन्होंने उस पुलिस स्टेशन के जितने भी शस्त्र थे उसको लूट लिया था, और रेलवेज को लूटा था, और साथ ही साथ जो टेलीफोन टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन थे उसे भी उन्होंने जो है ध्वस्त कर दिया था, ताकि रेस्ट ऑफ इंडिया से चटगांव कट जाए। और ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है सूर्य सेन। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। मानवतावाद क्रांतिकारी का विशेष गुण है किसने कहा था? ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी राज बिहारी बोस, ऑप्शन सी सूर्यो या सूर्य सेन, ऑप्शन डी भगत सिंह। और इसका सही उत्तर है सूर्यो सेन या सूर्य सेन, जिन्होंने कहा था कि मानववाद क्रांतिकारी का विशेष गुण है, या स्पिरिचुअलिज्म इज ए स्पेशल वर्च्यू ऑफ रेवोल्यूशनरी, यह कथन सूर्यो सेन का था। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, सूर्यो सेन ने अपने साथियों के साथ हथियारों से भरे पुलिस स्टेशन को लूट लिया, जिससे संचार तथा रेलवे को शेष भारत से चटगांव तक काट दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, हथियार लूटने के बाद उन्होंने कभी भी एक क्रांतिकारी सरकार शुरू नहीं की। इसमें आपको सही का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट सही, उन्होंने अपने क्रांतिकारियों साथियों के साथ मिलकर चटगांव पुलिस स्टेशन को लूट लिया, और साथ साथ संचार रेलवे इन सब को चटगांव से अलग कर दिया। और दूसरा, हथियार लूटने के बाद उन्होंने कभी भी एक क्रांतिकारी सरकार शुरू नहीं की थी, यह गलत है। उन्होंने एक क्रांतिकारी सरकार, जिन्हें प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टार्ट किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन केवल ए, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑफ लास्ट माइल अप्रोच हिंदी यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर इनिशिएटिव।